दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला का ये दावा है कि सुशांत और दिशा का केस आपस में जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आनंदी धवन, जो सुशांत के साथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, वो भी 13 जून से गायब है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में सुनील का कहना है कि दिशा के मंगेतर रोहन रॉय और सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रही आनंदी धवन से भी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों से बहुत अहम जानकारियाँ निकल कर आ सकती हैं। दोस्तों, आनंदी धवन को लेकर हम भी शुरू से सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर आनंदी धवन 13 जून के बाद से कहां गायब हो गई है। क्या उसे अंडरग्राउंड कर दिया गया है, या उसके साथ भी कुछ गलत हो चुका है, या फिर उस दिन स्ट्रेचर में सुशांत के साथ आनंदी धवन ही थी। ये सारे सवाल सुशांत केस में शुरू से बने हुए हैं, मगर अफसोस कि सीबीआई आने के बाद भी ये सवाल ज्यों के त्यों हमारे सामने हैं और हमें अपने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में एम्स की रिपोर्ट की तरह कोई धांधली नजर नहीं आएगी। दोस्तों, इस मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।